और इस समय अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह से बोलें, प्रभु आज मैं आपके वचन को जब सुनूं प्रभु, तो मैं केवल एक प्रचार नहीं मगर आपकी वाणी को उस वचन के पीछे सुनूं। बहुत जरूरी है किसी भी सर्पन के पीछे उस वॉइस को सुनना, उस आवाज को सुनना जो परमेश्वर की है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके सुनने के कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत मजा आने वाला है, रेडी हैं आप? आमेन। सो बैठ जाइए। आज का वचन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो वचन है पुत्रों का शासन अधिकार। बहुत ही शुद्ध हिंदी में आपके पास वचन आएगा। शासन अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं डोमिनियन। आमेन, शासन अधिकार। सो चलिए हम लोग मगर फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया बहुत सारी भविष्यवाणियाँ आप सुनेंगे, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जो हैं वो आप सुनेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और एक मसीह होने के नाते अगर आप उन चीज़ों को अपने अंदर आने देंगे तो वो आपके अंदर डर को पैदा कर सकती है। मैं बता रहा हूँ आपका ये साल ब्लेस्ड है यीशु के नाम में। आमेन। हमें कंटिन्यूसली इस बात को मेडिटेट करना है कि हम परमेश्वर के फेवर के अधीन हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं, हम डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, हम लोग डिवाइनली परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। सो आइए वचन में चलते हैं। उत्पत्ति 1:26। बहुत जरूरी है जानना कि आपका उद्देश्य क्या था, परमेश्वर का उद्देश्य क्या था आपको बनाने के लिए, क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया। क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे आप वैसा फंक्शन नहीं कर पाएंगे जैसे परमेश्वर चाहता है कि आप फंक्शन करें। आमेन। सो उत्पत्ति 1:26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या करें, जोर से बोलिए, क्या करें, अधिकार करें। आमेन। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया सबसे पहले तो अब परमेश्वर अपनी इंटेंशन को या अपने उद्देश्य को बोल रहा है कि मैं क्यों मनुष्य को बना रहा हूं, वो कह रहा है। और यहाँ पे जो परमेश्वर है वो प्लूरल है, यहाँ पे हम देखते हैं वो त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम मनुष्य को, आओ हम, लेट अस, इंग्लिश बाइबल कहती है अस, यानी एक नहीं अस, हम। यहाँ बाइबल में मैं नहीं लिखा, क्या लिखा है, हम। परमेश्वर कह रहा है हम, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि हम मनुष्य को क्या करेंगे, अपनी अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएंगे। सो यू विल सी, आप देखेंगे कि ये पहली जगह है जहां पे परमेश्वर अपना उद्देश्य बता रहा है मानव जाति के लिए। और जब आप इसको समझेंगे तो आप जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने आपको रचा है और आपका उद्देश्य इस पृथ्वी में क्या है। आमेन। वो कह रहा है मैं उनको अपनी समानता में बनाऊंगा, अपने अनुसार, अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और फिर वो क्या करेंगे, बोलिए, अधिकार रखेंगे। मगर ये अधिकार नॉर्मल अधिकार नहीं है, ये अधिकार इंग्लिश का वर्ड डोमिनियन है जिसका मतलब है शासन अधिकार, या जिसको बोलते हैं प्रभुत्व, कि वो क्या करेंगे पृथ्वी पे, बोले प्रभुता करेंगे, प्रभुता करेंगे। सो परमेश्वर का इंटेंशन मनुष्य को बनाने का ये था कि मनुष्य जो है वो प्रभुता करेगा। आमेन। सो इस बात को समझिए, परमेश्वर ने आपको जब बनाया आपके डीएनए में उसने शासन अधिकार डाला है। आमेन। मैंने आपको पहले ही बताया था आप एक चम्मच से भी एक कील को कसने की कोशिश कर सकते हैं मगर चम्मच उसके लिए नहीं बनी थी। आप किसके लिए बनाए गए, प्रभुता करने के लिए, बोलिए प्रभुता करने के लिए। शैतान नहीं चाहता आप इस बात को जानें क्योंकि सब रेंगने वालों के ऊपर भी प्रभु ने कहा तुम प्रभुता करोगे। और अदन की वाटिका में क्या आया था, रेंगने वाला आया था मगर उन्होंने प्रभुता नहीं करी उसके ऊपर। इंग्लिश बाइबल कहती है एवरीथिंग दैट क्रीपेथ अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ, जो रेंगने वाला है। आमेन। सो परमेश्वर ने जब हमको बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर जेनेसिस में लिखा है आदि में उसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आकाश या हेवेंस जो बाइबल में कहती है वो बात करता है अनसीन रेलम की, अनदेखी, परमेश्वर का जो राज्य है आप इन आंखों से नहीं देख सकते मगर वो इस जो आप आंखों से देख रहे हैं उससे भी ज्यादा वो रियल है। आमेन। उससे ज्यादा वो रियल है, आप आंखों से उसको नहीं देख सकते बट वो रियल है। और परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी, और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या किया, सबसे पहले जब उसने मनुष्य को बनाया, बाकी सब चीजों को जो उसने बनाया अपने मुंह के वचन के द्वारा बनाया, मगर जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने उसको कैसे बनाया,
अपने हाथों से उसने मिट्टी ली और एक मिट्टी से उसने हमारे शरीर को बनाया और अपनी आत्मा को मनुष्य के अंदर डाल दिया, जिसको हम इंग्लिश का शब्द ह्यूमन है, जो दो शब्द से मिलकर आता है, ह्यूमस यानी मिट्टी और मैन जो हिब्रू भाषा में इश जिसका मतलब है आत्मा। तो परमेश्वर ने ये किया कि परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य में बना रहा हूं, जो मिट्टी के अंदर मैं अपनी आत्मा को डाल रहा हूं, उनको मैं अधिकार दे रहा हूं इस पृथ्वी के ऊपर। किसी आत्मा को अधिकार नहीं है पृथ्वी के ऊपर, आप समझ रहे हैं मेरी बात, किसी भी आत्मा को, और परमेश्वर भी स्वयं आत्मा है। सो जब परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दी तो वो उस चीज से बाहर आ गया, उसने कहा तुम अधिकार रखो, उसने नहीं कहा हम अधिकार रखेंगे, उसने कहा तुम अधिकार रखो। आज लोग बोलते हैं अजी परमेश्वर तो सब चीज, जी उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, सब चीज तो परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या परमेश्वर आपको कंट्रोल कर रहा है? आप कंट्रोल हुए आज तक परमेश्वर से? और अगर हम परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है तो कैसे हम कह रहे हैं बाकी सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है? जैसे वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा वैसे वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर परमेश्वर कंट्रोल करना चाहता तो मनुष्य को शासन अधिकार देता ही नहीं, उसने शासन अधिकार इसीलिए दिया, उसने बोला तुम कंट्रोल करो पृथ्वी को, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। आमीन। कहेंगे ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं जानेंगे, यद्यपि आप पुत्र हैं, एक दास की तरह जीवन को जिएंगे। जो मसीह यीशु ने हमारे लिए मीरास छोड़ी है, जो इतनी महान है, इतनी ग्रेट है, आप कभी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। आमीन। इसीलिए हमें जानना है कि क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी सृष्टि करी और कैसे हम उस अधिकार में चल सकते। आमीन। सो परमेश्वर ने आदम को बनाया, मगर सबसे पहले हमें देखना है कि आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था। सो लूका 3:38 जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है इससे ये आया, इससे ये आया, इसने इसको पुत्र को जना, इसने इसको जना, और वह एनोश का और वह शेत का, यानी एनोश शेत का, और वह आदम का, यानी शेत आदम का, और वह पढ़िए परमेश्वर का पुत्र था। तो आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को जब बनाया तो नौकर नहीं बनाया, पुत्र बनाया, और जब पुत्र बनाया तो पुत्र को अधिकार दिया शासन करने का, प्रभुता करने का, डोमिनियन करने का। सो पहला आदम क्या था? पुत्र था। मैं चाहता हूँ भजन संहिता 8 में चले जाएं, भजन संहिता 8 उसकी मैं 4 अध्याय से पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। किसने बनाया मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम? परमेश्वर ने। लोग कहते हैं अच्छा तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? परमेश्वर के पुत्र, जो उसने हमें बनाया है। अब कोई अगर आपको बोले अच्छा ये उनकी तरह बात कर रहा है, आपके पापा की तरह, कहना हाँ जी वो मेरे पापा हैं। रिलीजन जो है, धर्म का आत्मा जो है, वो आपसे काम कराएगा, और आप सोचेंगे कि परमेश्वर, आपने वो देखा है डिस्पेंसिंग मशीन होती है, कॉफी मशीन होती है, आप उसमें कॉफी भर देते हैं, आप बटन दबाएंगे तो कॉफी बाहर आएगी। लोग सोचते हैं ऐसे ही परमेश्वर भी है, वो कहता है पहले मेहनत करके दिखा, जितनी मेहनत करेगा उतना मैं तुझे दूंगा। जिस दिन आप नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर आपको आपकी मीरास दे देता है, उसकी तरफ से डिले नहीं है, परमेश्वर ने दे दिया है। आमीन। मगर मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है हमारा मैच्योर होना, परमेश्वर बहुत जरूरी है। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। आमीन। हालेलुया। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। क्या किया परमेश्वर ने? महिमा और प्रताप का मुकुट मनुष्य के सर पे रखा है। ये था जो परमेश्वर ने हमें बनाया था। मगर देखिए हम कहां से कहां गिर गए। आमीन। कई लोग कहते हैं हम बंदर से आए हैं, अब उनका मुझे नहीं पता, हम तो परमेश्वर से आए हैं। हम जू से नहीं, हम स्वर्ग से आए हैं। आमीन। हालेलुया। अब देखिए उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर क्या दी है। बाइबल कह रही है, ये मैंने नहीं लिखा, आपकी बाइबल में भी है, कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको अपने हाथों के कामों के ऊपर क्या दी है? प्रभुता दी है, परमेश्वर ने दी है। तूने उसके पांव तले सब है। ये पचाने में थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? जब मैंने ये आयत ऊपर का नहीं बताया, जब मैंने केवल नीचे का बताया कि ये किसके लिए लिखा है, 99% लोगों ने कहा ये प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है। आपको समझना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की तरह नहीं चल रहा था इस पृथ्वी पे। वो आखिरी आदम बनकर आया, वो आकर ये दिखाया उसने हमें कि आदम को कैसे जीना था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं दिखा रहा था कि मैं जो हूं मैं परमेश्वर की तरह चमत्कार कर रहा हूं, क्योंकि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया, अगर उसने परमेश्वर की तरह किया होता तो हम लोग केवल इंप्रेस हो जाते, हम कहते वाह
मगर उसने किया एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसने पाया, और इसीलिए उसने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो ना केवल वो काम करेगा जो मैंने करे मगर उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्यों ऐसा कहा हमें समझना बहुत जरूरी है। आमीन। सो परमेश्वर ने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, और ये जो शासन अधिकार था ये आदम ने खो दिया जब पाप बगीचे में आया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, जब उसने उस फल को खा लिया, और आदम के अंदर से जो वो डीएनए था रेन रूल एंड रेन करने का, वो जो डीएनए था प्रभुता करने का, वो खत्म हो गया और वो एक दास की तरह जीने लग गया। और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो जो पुत्र था, ध्यान से सुनिएगा, जो पुत्र था उसने पुत्र का अधिकार खो दिया। सुन रहे हैं? मगर जब प्रभु यीशु मसीह आया तो सबसे पहले उसने हमें क्या दिया जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यूहन्ना 1:12 लगाइए, और मैं चाहता हूं हम सब साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे। रेडी हैं आप लोग? यूहन्ना 1:12 देखते हैं बाइबल क्या कहती है। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार वापस दे दिया। हम किसी धर्म में नहीं है ईसाइयत, यीशु मसीह धर्म लेके नहीं आया, वो उस डोमिनियन को, उस शासन अधिकार को वापस लेकर आया पुत्रों के लिए। क्या दिया उसने आपको? अगर आपने यीशु को ग्रहण किया तो उसने आपको क्या किया? पुत्र का अधिकार दिया, यानी पुत्रों के लिए अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पुत्र हैं तो आपके लिए अधिकार है, और अगर आपके लिए अधिकार है तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक अधिकारी की तरह इस दुनिया में जिए। हम देखते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, जो नौकरियां करते हैं, वो अधिकारी हैं। हाँ, अधिकार है उनके पास। सोचो उससे कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया, आत्मिक अधिकार उसने आपको दिया है, पुत्रों का, पुत्रों का अधिकार आपको दिया है यीशु के नाम में। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो वो आपको वापस उस अधिकार को करता है जो आदम ने खो दिया था। और केवल उसने अधिकार नहीं दिया, उसने दिखाया कि एक पुत्र कैसे चलता है पृथ्वी में। सो जब आप यीशु मसीह को पढ़ते हैं बाइबल में, ये मत देखिए कि वो परमेश्वर है, बिल्कुल परमेश्वर है, मगर आपने महिमा में नहीं देखा उसे, गिर जाए। यूहन्ना उनके बाइबल बताती, यूहन्ना सर रखता था यीशु मसीह के बगल में, जब महिमा में देखा रेवलेशन में तो पांव में गिर गया जैसे मरा हुआ। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चल रहा था परमेश्वर की तरह नहीं चल रहा था, मनुष्य की तरह चल रहा था। फिलिपियों की पत्री में लिखा है उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी महिमा को छोड़ दिया, अपने ईश्वरत्व को छोड़ दिया और जीरो से शुरुआत करी, ताकि हमें फिर से ये एग्जाम्पल दे सके, उदाहरण दे सके कि पुत्रों का शासन अधिकार कैसा दिखता है। सो जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, जब वो बीमारियों को चंगा कर रहा था, जब वो खाने को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब वो पानी पे चल रहा था, जब वो तूफान को डांट रहा था, वो दिखा रहा था कि परमेश्वर के पुत्रों का अधिकार कैसा है। अगर आप आज एक नॉर्मल मसीह को देखेंगे, उनकी धर्म ने उनको बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। सच बोल सकता हूँ जगह में, अजी हम तो कुछ नहीं, हम नाली के कीड़े हैं, हम उन्हें लगता है परमेश्वर बड़ा खुश होता है ऐसी प्रार्थना से। वाह वाह वाह, कितना नम्र है, ये झूठी नम्रता। आप जानते हैं असली नम्रता क्या है? अपने आप को वो कहना जो परमेश्वर आपके लिए कहता है, ये सच्ची नम्रता है। अगर परमेश्वर कहता है कि तू मेरा पुत्र है तो बोलो हाँ प्रभु मैं तेरा पुत्र हूँ, ये असली नम्रता है। हमारा रिश्ता फीलिंग्स में नहीं है, हमारा रिश्ता लहू का है। हम लोग आज कई चर्च में लोग बोलते हैं कि देखो क्या हो रहा है अमेरिका में, अब पता ही नहीं है किसी को कि वो लड़का है या लड़की है, कभी वो लड़का है कभी वो लड़की है। तो कलीसिया में भी तो ऐसी हो रहा है, कभी आप पापी हो कभी आप संत हो, आइडेंटिटी क्राइसिस है। लोगों को पता ही नहीं, 20 साल हो गए मसीह में, वो कहते हैं आज भी मैं प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु कह रहा है अबे तू बेटा है, बोलो मैं पुत्र हूँ। यदि आप मसीह में हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। हालेलुया। और क्या होता है जब आप मसीह में आते हैं, परमेश्वर आपको कौन सा आत्मा देता है, देखते हैं रोमियो 8 उसकी 15वीं आयत, रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। जो धर्म की आत्मा है वो दासत्व की आत्मा है, मैं फिर से आपको बोलूं, जो धर्म की आत्मा है वो दासत्व की आत्मा है।